यदि साइन थीटा बराबर 6/10 हो तो शेष अनुपात याद कीजिए, ठीक है ना। तो देखो, अब हमें साइन थीटा दिया गया है, तो कॉस थीटा निकालेंगे पहले हम। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 6/10 का स्क्वायर, 1 माइनस 6, 6 का वर्ग 36 और 10 का वर्ग 100 और नीचे 1। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर अंडर रूट और नीचे 10, 100 एकम 100 और 36 एकम 36। तो ये क्या हो गया आपका, 100 में से 36 गया तो 64, 64/100, 64 का हो गया 8, 100 का हो गया 10। तो इस तरीके से हमने आपके सामने निकाला कॉस थीटा बराबर 8/10, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा कितना दिया आपको, 6/10, 6/10 और 8/10, है ना। ये देखो साइन थीटा का वैल्यू कितना, 6/10। साइन थीटा इज 6/10, कॉस थीटा इज 8/10, देयरफॉर 10 10 इज कैंसिल, 6/8, 6/8। चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं टेन थीटा साइन थीटा, अब हम बात करेंगे कॉट थीटा, है ना। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, यहां से देख लो। चलो कॉट थीटा की बात करते हैं, तो कॉट थीटा क्या होता है आपका, 1/10 थीटा। टेन थीटा का अपोजिट व्युत्क्रम, टेन थीटा का व्युत्क्रम समझ लो। तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, 1/6/8, देयर फॉर कॉट थीटा इज इक्वल टू 8/6। एंड बात करेंगे अब हम कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा इज इक्वल 1/6/10, देयर फॉर 10/6। एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा इज 1 और कॉस थीटा इज 8/10, 8/10, देयर फॉर 10/8, 10/8। इस तरीके से आपके सामने मैंने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करके बताएं।